हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट टैक्सेशन पेपर। तो ओवरऑल टैक्सेशन के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि एग्जैक्टली जो ये टैक्स का पेपर है इसमें ऐसे कौन से चैप्टर्स है जिसके ऊपर आपको फोकस करके जाना है। सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कशन स्टार्ट करेंगे एंड चैप्टर वाइज भी मैं आपको बताऊँगा एग्जैक्टली कि कौन से पॉइंट्स है जिसमें हमारे मिस्टेक्स जो है वो हो सकते हैं। तो टैक्सेशन का पेपर में सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर वन आएगा, दैट क्वेश्चन नंबर वन ए विल बी ऑन द एमसीक्यूज, राइट। एमसीक्यूज पे क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 12 एमसीक्यूज दिए होंगे। 12 में से आपको जो है 10 एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। तो 10 आपको टोटल एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर वन में सॉल्व करने हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर वन में 12 एमसीक्यूज में 10 जो सॉल्व करने हैं, इसमें यूजुअली हम 12 के 12 लिख देते हैं। परफेक्ट है, आप 12 में से 12 सारे के सारे आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसमें इसमें से जितने भी आपके राइट होंगे उतने आपको मार्क्स मिलेंगे एंड दिस विल बी टोटली बेस्ड ऑन द थियोरी। इफ़ योर थियोरी इज़ कम्फर्टेबल यू कैन ईजिली स्कोर मोर इन दिस ऑब्जेक्टिव ऑल्सो। और थियोरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल दिए हैं। जो बी नंबर का क्वेश्चन आएगा वो आइदर ट्रू और फॉल्स हो सकता है या कभी कभी इसमें मैच द फॉलोइंग भी आता है, डिपेंड करता है वो एग्जामिनर के ऊपर है कि वो आपको क्या पूछना चाहता है। तो यूजुअली यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आता है या मैच द फॉलोइंग आता है, और ट्रू और फॉल्स और मैच द फॉलोइंग में दोनों में से कुछ भी एक पूछा जा सकता है। यहाँ पे भी 12 क्वेश्चंस आएंगे और 12 में से आपको सिर्फ 10 सॉल्व करने हैं। अब आपको ये दोनों में एक चीज़ 100% याद रखनी है और उसमें आपको ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रख के ही सॉल्व करना है, एंड दैट इज़ ये सारे जो क्वेश्चंस होंगे इसको आपको प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है, ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर वन से लेके 2, 3, 4, 5 लाइन से लिखना है। सिमिलरली आपको ऑब्जेक्टिव्स जो है वो भी आपको लाइन से लिखने जाना है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू नाउ। सो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है। यूजुअली ऑब्जेक्टिव्स पूरा का पूरा जो है वो थियोरी के ऊपर पूछा जाता है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर टू की बात करें तो क्वेश्चन नंबर टू में क्या आ सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, देन उसके अंदर के पॉइंट्स को भी डिटेल में डिस्कशन करने का ट्राई करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर टू जो है ये लास्ट ईयर के पेपर में कैसे पूछा था और इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं वो हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। दोनों में से एक पैटर्न यूजुअली यूनिवर्सिटी में फॉलो किया जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर टू का ए जो है दैट वॉज फॉर 10 मार्क्स, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर में आया था and this was a simple question and it was based on salary। तो ये salary पे आया था। अभी हम detail में जाते हैं, फिर salary में है तो आपको salary में कौन से levels पढ़ने हैं, क्या क्या उसमें revise करना है, सब कुछ हम लोग अभी discuss करेंगे एक एक करके ताकि overall आपको एक perspective मिल पाए। Question number A जो है वो 10 marks का पूरा salary पे आया था, लेकिन salary के साथ आपको other information दिया जाएगा विच विल बी अदर सोर्सेज। 2 से 3 पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे अदर सोर्सेज के ऊपर। अदर सोर्सेज के भी 2-3 पॉइंट्स में डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। उसके साथ आपको 2 डिडक्शंस मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं एंड दैट इज़ फ्रॉम द चैप्टर 6 से। ऑलरेडी एक वीडियो है उसको रिवाइज करके जाइए बिकॉज पूरा चैप्टर 6 से में से आपके पूरे क्वेश्चन पेपर में बहुत सारी चीज़ें होगी। दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 2A एंड विच विल कैरी 10 मार्क्स इन द पेपर, राइट। सो अभी क्वेश्चन नंबर 2A अगर आप सॉल्व करते हो तो 2A के साथ आपको 2B भी सॉल्व करना पड़ेगा बिकॉज दिस विल बी फॉर 10 मार्क्स अगेन एंड सिंस वी नीड टू सी दैट वी आर अटेम्प्टिंग फॉर 20 मार्क्स तो हमको ये 20 मार्क्स का जो है ओवरऑल 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये आपके लास्ट ईयर के पेपर की अगर बात करें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था विच वॉज कॉल्ड एज हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे एक हाउस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन था एंड हाउस प्रॉपर्टी के साथ भी उन्होंने अदर सोर्सेस का पॉइंट पूछा, उसके साथ उन्होंने 1 से 2 डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A पूछ लिया। दैट मीन्स आपको सैलरी चैप्टर और हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर ये दोनों चैप्टर बिल्कुल भी ऑप्शंस में नहीं रखने हैं। आई होप कि आपने ये दोनों चैप्टर पढ़े होंगे। अब हम उसके डिटेल में जाएंगे एक एक करके। तो हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी में आपको 10-10 मार्क्स का क्वेश्चन सीधा उन्होंने पूछ लिया विच कैरिड टोटल 20 मार्क्स इन द पेपर। तो 20 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा था। इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन आया था, ये ऑप्शन में जो क्वेश्चन था डायरेक्टली 2C का एंड दैट वाज डायरेक्टली फॉर 20 मार्क्स। ये सीधा क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए पूछा गया था एंड ये जो 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था दिस वाज अगेन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ सैलरी
लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया, सैलरी में इन्होंने हाउस प्रॉपर्टी भी मिक्स कर दिया। मतलब अभी इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है, दोज हु आर नॉट कम्फर्टेबल अबाउट हाउस प्रॉपर्टी और दोज हु आर नॉट कम्फर्टेबल अबाउट सैलरी, वो दोनों जगह पे फंस रहे हैं। बिकॉज क्वेश्चन नंबर 2A में भी सैलरी है, उसके साथ बी वाला हाउस प्रॉपर्टी है, या अगर आप ये दोनों 10-10 मार्क्स के सॉल्व नहीं करते हैं तो आपको दोनों कंबाइंड क्वेश्चन उन्होंने मिल के डाल दिया, सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी। बट एक चीज़ इसमें कॉमन थी कि इसमें डिडक्शन आया लेकिन इसमें अदर सोर्सेस नहीं आया, एंड दैट वॉज डायरेक्टली फॉर 20 मार्क्स। इसमें से हमें एक चीज़ अगर हम ध्यान रखें फॉर टुमोरोज पेपर, एंड दैट इज़ हमको सैलरी चैप्टर और हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर जो है वो परफेक्टली करके जाना पड़ेगा। बिकॉज अगर वो लोग 10 मार्क्स का क्वेश्चन सैलरी पे और 10 मार्क्स का क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी पे पूछ रहे हैं तो वी शुड बी कंफर्टेबल विथ सैलरी एज वेल एज हाउस प्रॉपर्टी बोथ, एंड इंक्लूडिंग द अदर सोर्सेज ऑल्सो वी शुड बी कम्फर्टेबल। तो दोनों यहाँ पे हमको आना चाहिए, और अगर दोनों चीज़ें हमको आती होगी तो कोई प्रॉब्लम हमको फेस नहीं होगा एग्जाम में, आइदर और दोनों में से आप कोई भी सॉल्व कर पाएंगे। अब हम सबसे पहले जो चैप्टर है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, सैलरी के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस करता हूँ ताकि ज़्यादा लेंदी भी आज का लाइव सेशन ना हो एंड आपको ओवरऑल इसमें से क्लैरिटी आ जाए। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एक आपको पूरा वीडियो का लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन में और आपके ग्रुप में भी डाल दूंगा। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो लोग ग्रुप में नहीं है वो लोग सीधा डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फास्ट ट्रैक रिवीजन अपलोड कर दिया है, तो वो फास्ट ट्रैक रिवीजन को भी आप देख के जाना पेपर में। आपको हर चैप्टर वाइज भी उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई है, तो वो भी देखना। ये पूरा आज का लाइव सेशन के बाद वो देखो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी देखो, सैलरी चैप्टर की अगर बात करें तो जो सबसे पहला जो लेवल सैलरी के ऊपर है, एंड दैट लेवल इज़ वेरी सिंपल, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज सिंपल लेवल। ठीक है, ये कौन सा लेवल है, सिंपल लेवल है। सिंपल लेवल का मतलब क्या है, इसमें आपको सीधा क्लियर कट 12 मंथ्स का इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, HRA, हाउस रेंट अलाउंस, बोनस। बोनस के बारे में मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, बोनस अगर डिक्लेयर रहेगा तो हम नहीं लेंगे, और बोनस अगर पेड रहेगा या ओनली बोनस रहेगा तो हम हमारे इनकम में उसको कंसिडर करेंगे। सो दिस विल बी द पॉइंट। उसके बाद एरियर्स ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, ये सब टैक्सेबल है। परक्विजिट वैल्यू ऑफ मोटर कार, परक्विजिट वैल्यू ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ऐसे सारी चीज़ें जो है वो टैक्सेबल है। एक चीज़ याद रखना है, ये लोग करते क्या है, एक दो पॉइंट है ना एक्सपेंसेस के डाल देते हैं, जैसे ही परचेज बुक्स, ही परचेज सम सब्सक्रिप्शन मैगजीन्स, ऐसा अगर कुछ पूछते हैं तो वो आपको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है। बिकॉज सैलरी में हम सैलरी इनकम लेंगे, हम कोई एक्सपेंसेस तो उसमें लेंगे नहीं। तो पहला लेवल जो है जो आपको पढ़ के जाना है, विच इज़ सिंपल लेवल। अगर हम सेकेंड लेवल की बात करें तो ये थोड़ा सा ट्रिकी लेवल है, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ मंथ्स में कैलकुलेशन आता है, एंड दैट इज़ सेकेंड लेवल विच इज़ कॉल्ड रिटायरमेंट लेवल। तो रिटायरमेंट लेवल में आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि रिटायरमेंट लेवल में सबसे पहले आपको डेट देखना है। द फर्स्ट पॉइंट विच वी आर गोइंग टू सी इज डेट, वो कौन से डेट को रिटायर हो रहा है। से फॉर एग्जाम्पल, वो 1st of December को रिटायर हो रहा है, कोई भी पॉइंट में अगर दिया है 1st of December, तो आपको याद रखना है डिसम्बर के पहले जितने भी मंथ्स आएंगे, मतलब कहाँ से कहाँ तक आप काउंट करेंगे, आप काउंट करेंगे अप्रैल से लेके नवंबर तक, राइट। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो आपके कितने मंथ्स आते हैं, यहाँ पे 8 मंथ्स आते हैं। तो 8 मंथ्स के लिए आपको जितने भी कैलकुलेशंस है वो सारे कैलकुलेशन सैलरी में 8 मंथ से करने हैं, एंड जो बाकी के 4 मंथ्स है उस 4 मंथ्स के लिए आपको कैलकुलेशन करना है, एंड विच विल बी रिलेटेड विथ कंसेप्ट ऑफ पेंशन। तो उसमें कम्यूटेड पेंशन एंड अनकम्यूटेड पेंशन, ऐसे दो टाइप के पेंशंस होते हैं। तो ये आपको सिर्फ रिटायरमेंट में एक ही चीज़ याद रखनी है कि वेन एवर रिटायरमेंट इज गिवन, वी विल बी कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मंथ्स, ऑल मंथ्स विल बी यूज फॉर अ सिंगल कैलकुलेशन, ओनली दिस रिमेनिंग मंथ्स जो रिटायरमेंट के बाद है वो आप पेंशन के लिए यूज़ करेंगे, बाकी सारी चीज़ें आप 8 मंथ से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि एग्जाम में 80 आएगा, वो डेट के बेस पे आपको कैलकुलेट करना है। ये आपका सेकेंड लेवल हो गया, और तीसरा लेवल हो गया आपका नेट सैलरी का लेवल। अब आप खुद को क्वेश्चन पूछे, इन 3 लेवल्स में से मुझे कौन से लेवल्स आते हैं, बिकॉज आपको सिंपल लेवल भी आना चाहिए, आपको रिटायरमेंट भी आना चाहिए, एज वेल एज आपको ये नेट सैलरी का भी लेवल करने आना चाहिए। नेट सैलरी की अगर मैं बात करूँ
तो नेट सैलरी में क्या होता है, आपको क्वेश्चन में नेट सैलरी दिया रहता है, इसमें आपको जितने भी पॉइंट्स में डिडक्टेड वर्ड है, जैसे इनकम टैक्स डिडक्टेड, प्रोविडेंट फंड डिडक्टेड, प्रोफेशन टैक्स, ऐसे सारे पॉइंट्स को हमको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है. तो व्हेन वी ऐड ऑल दिस पॉइंट्स इन द नेट सैलरी, वी गेट द आंसर एज बेसिक सैलरी. तो हमको जो आंसर मिलता है वो बेसिक सैलरी होता है, और उसके आगे का फॉर्मेट आप ऑलरेडी जानते हो. आप सारा फॉर्मेट वही यूज़ करोगे जो आप सिंपल लेवल में या रिटायरमेंट के लेवल में यूज़ करते थे. तो दिस विल बी द थ्री लेवल्स ऑफ द चैप्टर सैलरी. एकदम सिंपल है, मैंने ऑलरेडी इसके काफ़ी सारे सैलरी के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं. तो अगर आप अभी लास्ट मोमेंट में ढूंढ रहे हो कि कल क्या पढ़ूँ, सैलरी में से क्या पढ़ूँ, तो टैक्सेशन का एक प्लेलिस्ट है, उसमें सैलरी चैप्टर्स के 2-3 वीडियो बनाए हैं, वो देख के जाइए, वो काफ़ी आपको हेल्प कर सकते हैं अगर आपको सैलरी आता नहीं होगा तो. बाकी आप इसमें से पॉइंट्स रिवाइज करना, दैट विल बी हेल्पिंग यू. तो नंबर वन, हम पहला चैप्टर की अगर बात करें तो सैलरी में इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, एंड दैट विल बी कैलकुलेटिंग, राइट. तो अगर हम इसकी बात करें तो सैलरी की, सैलरी में इतने सारी चीज़ें आने के बाद सैलरी का फॉर्मेट आप सभी को पता है, राइट. तो पहले आपको क्या करना है, सब कुछ पॉइंट्स लिखना है. तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी योर ग्रॉस सैलरी. ग्रॉस सैलरी के बाद क्या करोगे आप, ग्रॉस सैलरी के बाद आप डिडक्शंस लिखोगे, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16. ठीक है, अंडर सेक्शन 16 में टोटल कितने डिडक्शंस है, आई होप कि आपको पता है. सबसे पहला डिडक्शन होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसका एक सिंगल अमाउंट आपको याद रखना है, एंड दैट इज 50,000 रुपीज़. तो 50,000 रुपीज़ का स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा. नंबर सेकेंड विल बी यूर एंटरटेनमेंट अलाउंस. नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंटरटेनमेंट अलाउंस ये ऐसा डिडक्शन है वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलता है. अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेगा तो इसकी भी लिमिट है, और वो कितनी है, 5,000, उससे ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा. लेकिन इसमें कंडीशंस है, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी एंड मैक्सिमम लिमिट 5,000. ये 5,000 याद रख लेना, कहीं ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लिया तो आपको इसका आंसर आना चाहिए. और तीसरा और आखिरी डिडक्शन हमारा होता है विच इज़ कॉल्ड एज प्रोफेशन टैक्स. ये प्रोफेशन टैक्स भी आपको लिखना है और माइनस कर देना है. देन आपको इसमें से सब कुछ माइनस करके फाइनल आंसर जो आएगा वो आपका इनकम फ्रॉम सैलरी ये आंसर होगा. दिस विल बी योर बेसिक फॉर्मेट विच विल बी एप्लीकेबल फॉर द होल चैप्टर. देर आर थ्री लेवल्स इन दिस, एंड थ्री लेवल्स में यही फॉर्मेट है, तो कोई आपको उसमें कैलकुलेटिव एरर या कैलकुलेशंस में आपकी कोई भी गलती यहाँ पे नहीं होगी. इनकम फ्रॉम सैलरी इतना आपको करके जाना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख के जाओ. और अभी भी फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है, लास्ट मोमेंट में ढूंढ रहे हो इधर उधर क्या करूँ कल के पेपर में, तो एक काम करो, चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट 3-4 वीडियो मिलेंगे, वो देख के जाना. एटलीस्ट उतना भी करके आएंगे तो पासिंग मार्क्स इजीली मिल जाएगा. ये आपका हो गया सैलरी चैप्टर में से, ठीक है. अब हम सीधा चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 में. चैप्टर नंबर 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी ध्यान से बताता हूँ. यहाँ पे सिली मिस्टेक्स बहुत सारी होती है, बिकॉज ये हाउस प्रॉपर्टी में कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है. नाउ सेकेंड चैप्टर जो है हमारा, सेकेंड चैप्टर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. अभी ये हाउस प्रॉपर्टी में ना दो टाइप के पॉइंट्स है, एक होता है आपका LOP और दूसरा होता है हमारा SOP. आई होप कि आपको LOP का फुल फॉर्म पता है, लेट आउट प्रॉपर्टी, ये आपका फर्स्ट पॉइंट. और दूसरा होता है हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, दैट इज अवर सेकेंड पॉइंट, ठीक है. तो एक हो गया लेट आउट प्रॉपर्टी, एक होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. अभी दोनों पॉइंट्स आने के बाद आपको LOP में LOP का फॉर्मेट यूज़ करना है, SOP में SOP का फॉर्मेट यूज़ करना है. दोनों पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और SOP की अगर हम बात करें तो SOP में सबसे इम्पॉर्टेंट है लिमिट, वो भूलना मत वरना गलत करके आएंगे. लिमिट किसका, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स का, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स का. अगर आपने सब कुछ पढ़ा है तो ये रिविजन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अभी आपको बता रहा हूँ. नंबर वन, अगर आपने लोन 1999 के पहले लिया है तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन सिर्फ लिखना है 30,000. अगर आपने लोन 99 के बाद लिया है तो मैक्सिमम आपको डिडक्शन लिखना है 2,00,000. और इसमें एक कंसेप्ट याद रखना, विच एवर इज लेस, जितना भी छोटा अमाउंट रहेगा वही आपको डिडक्शन मिलेगा. वो डिडक्शन में 30,000 लिखेंगे या 2,00,000 लिखेंगे, दैट प्योरली डिपेंड्स ऑन द डेट ऑन विच दी लोन इज टेकन. तो लोन जो भी आपने लिया है उस पर जितना भी इंटरेस्ट आप भरोगे उसको आपको डिडक्शन क्लेम हम कर सकते हैं. एंड रिमेंबर, दिस लिमिट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर SOP. LOP वी डोंट हैव एनी लिमिट. नाउ लेट अस डिस्कस LOP का फॉर्मेट. देखो, LOP में सबसे पहले आपको GAV कैलकुलेट करना है, राइट.
जीएवी में हम तीन पॉइंट लिखते हैं, पूरा फॉर्मेटिंग का वीडियो है हाउस प्रॉपर्टी का, मैं एकदम क्विकली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। म्युनिसिपल वैल्यू, उसके बाद फेयर रेंट, उसके बाद एक्चुअल रेंट, ये तीनों में से विच एवर इज हायर अगर हम लेंगे तो हमें आंसर मिलेगा जीएवी। अब ये थोड़ा सा और ट्विस्ट डालते हैं इसमें। देखो एक्चुअल रेंट में क्या करना है आपको, एक्चुअल रेंट के साथ अनरियलाइज रेंट माइनस करना है। तो एक्चुअल रेंट अगर आपके क्वेश्चन में अनरियलाइज रेंट आया तो माइनस कर देना यहाँ पे, तो जीएवी आएगा। जीएवी के बाद लेस करना है म्युनिसिपल टैक्स पेड, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका ओनर म्युनिसिपल टैक्सेस भरता होगा तो हम लेंगे, अगर टेनेंट म्युनिसिपल टैक्सेस भरता होगा तो हम नहीं लेंगे, अगर आउटस्टैंडिंग आपके क्वेश्चन में दिया तो भी हम नहीं लेंगे, ये याद रखना वरना कल गलत करके आएंगे, उधर टेनेंट दिया रहेगा और आप लिखेंगे। नेक्स्ट वी विल गेट दी आंसर एज एनएवी। एनएवी मिलने के बाद हमको माइनस करना है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। जब आप डिडक्शंस को माइनस करोगे 24 के, इसमें दो पॉइंट्स आएंगे। कौन से दो पॉइंट्स आएंगे तो वो भी दो पॉइंट्स बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल दो पॉइंट्स आएंगे। नंबर वन आपका होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड दैट विल बी 30% ऑफ एनएवी, ठीक है, 30% ऑफ एनएवी आपको लेना है जो भी एनएवी आएगा। और नंबर सेकेंड होगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स, वो भी आपके इधर आ जाएगा। एक कभी कभी एक चीज़ दी रहती है मैं बता देता हूँ, लेकिन फिलहाल वो पॉइंट अगर कन्फ्यूज होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके क्वेश्चन में अनरियलाइज रेंट है, अनरियलाइज रेंट वो भी रिकवर्ड, अनरियलाइज रेंट अगर रिकवर्ड है तो वो आपको याद रखना है। समझो 10,000 दिया है क्वेश्चन में, तो 10,000 में से 30% माइनस करना है, 30% कौन सा, ये डिडक्शन का, और वो माइनस करना है और वो इधर ऐड कर देना है, ये दोनों पॉइंट लेस करने हैं और ये आपको ऐड करना है। अगर दिया तो अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड रहा तो यहाँ ऐड करना है, ओनली अनरियलाइज रेंट रहा तो ऊपर माइनस कर देना एक्चुअल रेंट के साथ, अगर ऐसा आया तो, वरना 99% केस में अनरियलाइज रेंट आता ही नहीं है, लेकिन आ गया तो आपको फिर उतने के लिए आपके फुल मार्क्स जाने नहीं चाहिए। ये आपका फर्स्ट लेवल है। उसके बाद कभी कभी आपके क्वेश्चन में ना वैकेंसी पीरियड दिया जाता है, अभी वैकेंसी पीरियड दिया तो क्या करने का वो भी बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग लेंगे म्युनिसिपल वैल्यू, उसके बाद हम लेंगे फेयर रेंट, उसके बाद हम लेंगे एक्चुअल रेंट। अब एक्चुअल रेंट पर मंथ रहेगा, समझो फॉर एग्जांपल 10,000 पर मंथ है, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि अमाउंट पेपर में कुछ भी आ सकता है। इनमें से हायर वैल्यू आपका बनेगा जीएवी, ठीक है, ये तो सेम हो गया। अभी जीएवी बनने के बाद आपको यहाँ पे माइनस करना है वैकेंसी पीरियड, ठीक है, क्या माइनस करना है, वैकेंसी पीरियड। वैकेंसी पीरियड मतलब वो आपको मंथ्स में दिया जाएगा, 1 month, 2 month ऐसे। सो समझो क्वेश्चन में 3 months आया, तो ये जो एक्चुअल रेंट है वो आपको लेना है 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 months करना है, तो आपका आंसर आएगा 30,000। तो ये आपको क्या करना है, इस जीएवी में से ये माइनस करना है। अब आपको आंसर जो आएगा विच इज़ कॉल्ड एज टीएवी, टोटल एनुअल वैल्यू, जो भी आ जाएगा। इसके बाद आपका बाकी का फॉर्मेट सेम रहेगा, म्युनिसिपल टैक्स पेड, फिर आपको एनएवी आ जाएगा, एनएवी के बाद आपको ये सारा डिडक्शन जो है वो इधर सेम लिखना है। दिस इज लेवल नंबर 2। Whenever you will have vacancy period in the question, don't forget to deduct after GAV. GAV के बाद आपको उसको deduct करके जाना है और करने के बाद आपको TAV मिलेगा, फिर आपको बाकी की चीज़ जो है वो मिल जाएगी। This is your vacancy period and all those factors. हमारा तीसरा जो level है which is called as standard rent level, ठीक है, ये तीसरा level कौन सा होता है, standard rent level। अभी ये level जो है standard rent का, इसका पूरा formatting में change है। इसमें मैंने सिंपल फॉर्मूला आपको बताया है, हायर फिर लोअर फिर हायर, पहले हायर वैल्यू लेना है, फिर लोअर वैल्यू लेना है, फिर हायर वैल्यू लेना है। देखो कैसे करना है, ध्यान से सुनना। अभी सबसे पहले हम लोग म्युनिसिपल वैल्यू लेंगे, फिर उसके बाद फेयर रेंट लेंगे, इन दोनों में से हायर वैल्यू लेंगे तो हायर वैल्यू इधर आ जाएगी, दैट हायर वैल्यू इज कॉल्ड एज आरएलवी। आरएलवी का फुल फॉर्म होता है रीजनेबल लेट आउट वैल्यू। देन आफ्टर आरएलवी वी विल टेक स्टैंडर्ड रेंट। इसके बाद हम क्या लेंगे, इसके बाद हम स्टैंडर्ड रेंट लेंगे, फिर स्टैंडर्ड रेंट की अमाउंट लिखेंगे, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर लोअर वैल्यू लेंगे, तो ये लोअर वैल्यू हम नीचे लिखेंगे और उसको नाम भी हम क्या लिखेंगे, लोअर वैल्यू। लोअर वैल्यू
उसके बाद हम एक्चुअल रेंट लिखेंगे, एक्चुअल रेंट हम लिखेंगे, और एक्चुअल रेंट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अगेन वी विल कंपेयर दिस टू एंड अगेन वी विल टेक हायर वैल्यू एंड देन अवर आंसर विल बी कॉल्ड एज, दिस आंसर इज कॉल्ड एज जी ए वी. ओनली दिस मच पॉइंट, दिस मच फॉर्मैट इज डिफरेंट इफ वी आर गिवन स्टैंडर्ड रेंट इन द क्वेश्चन, द रेस्ट ऑफ द फॉर्मैट इज टोटली सेम. यहाँ के बाद म्यूनसिपल टैक्स पेड करोगे आप, यहाँ के बाद एन ए वी आएगा, एन ए वी के बाद लेस डिडक्शन करोगे एंड ऑल दिस पैरामीटर्स आर बेसिकली सेम. तो यह हो गया आपका हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर के बारे में डिस्कशन. ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी के बाद हम चलते हैं एक सिंपल चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करने एंड दैट इज अदर सोर्सेस. अब अदर सोर्सेस, स्टूडेंट फाइंड इट डिफिकल्ट, द रीजन समझ में ही नहीं आता है अदर सोर्स में क्या पढ़ने का. देखो बहुत सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, अदर सोर्सेस में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट याद रखना है कि वी विल नॉट गेट एनी डिफरेंट क्वेश्चन ऑन अदर सोर्स. मतलब अदर सोर्स पे अलग से क्वेश्चन नहीं आने वाला है. अदर सोर्स आइदर सैलरी में आएगा, अदर सोर्स आइदर हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, अदर सोर्स आइदर पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन उसमें आएगा. इसका मतलब अदर सोर्स इनके साथ मिक्स होने वाला है. अगर ये इनके साथ मिक्स होने वाला है तो पॉइंट्स भी कम आ जाएंगे. तो अभी अदर सोर्स में आएगा क्या, फिर बहुत सिंपल है, कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हैं. देखो सबसे पहले जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं वही मैं बताता हूँ. गिफ्ट फ्रॉम फादर, ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में गिफ्ट फ्रॉम फादर है, फादर मदर, ठीक है, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ब्रदर, सिस्टर. सो गिफ्ट फ्रॉम फादर मदर, गलती से जीएफ को कुछ अलग मत समझ लेना, दैट इज ग्रैंड फादर, फिर ग्रैंड मदर, फिर ब्रदर एंड सिस्टर. इन सबसे अगर गिफ्ट मिलता है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, ये याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. दूसरा जो पॉइंट है, अगर आपको गिफ्ट फ्रेंड से मिलता है, यहाँ पॉइंट आता है एग्जाम में, तो फ्रेंड के लिए आपको अमाउंट याद रखना है 50,000. 50,000 तक क्या हो जाएगा, 50,000 तक वो एग्जेम्प्ट होगा. एंड अगर 50,000 से ऊपर का गिफ्ट है तो वो पूरा का पूरा गिफ्ट टैक्सेबल होगा. अगर 51,000 दिया है तो 51 में से 50 माइनस मत कर देना, पूरा 50,000 जो है, सॉरी पूरा 51,000 जो है दैट विल बी टैक्सेबल. दैट इज योर सेकेंड नंबर का पॉइंट विच इज कॉल्ड एज योर गिफ्ट. उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, एक होता है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, रॉयल्टी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग, ये कैजुअल इनकम. चलो उसको भी लिख लेते हैं, कैजुअल इनकम. ये कैजुअल इनकम क्या है, कैजुअल इनकम मतलब विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, विनिंग फ्रॉम रियलिटी शोज, विनिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ गेम्स. तो इसमें एक चीज़ याद रखना है, अगर आपको विनिंग फ्रॉम लॉटरी ये सब में ब्रैकेट में एक्सपेंसेस दिया होगा तो उस एक्सपेंसेस को आपको इग्नोर करना है, डू नॉट डिडक्ट. लेकिन अगर विनिंग फ्रॉम लॉटरी में आपको नेट वर्थ दिया है और ब्रैकेट में अगर टीडीएस नाम का पॉइंट दिया है तो उस टीडीएस को आपको उसमें ऐड करना है. मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ये सिली मिस्टेक्स करने वाली चीज़ें हैं. ये अगर आप ध्यान से लिख के रखो कहीं पे ताकि कल जाने से पहले ये रिवाइज करके जाना. जैसे कि पॉइंट आया विनिंग फ्रॉम लॉटरी 1,00,000, ब्रैकेट में आया एक्सपेंसेस 10,000, फिर कन्फ्यूज हो जाएगा एक्सपेंसेस करने का क्या, कोई ऐड करेगा कोई लेस करेगा, कुछ नहीं करना है, इग्नोर. लेकिन ऐसा पॉइंट आया विनिंग फ्रॉम लॉटरी 1,00,000, ब्रैकेट में वर्ड आया नेट और फिर ब्रैकेट में दिया टीडीएस 10,000, अब क्या करना है आपको, 1,00,000 में 10,000 ऐड करना है विच इज टीडीएस एंड आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1,10,000. चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर फोर्थ में जाते हैं. एक आता है आपका इंटरेस्ट. अभी इंटरेस्ट में आता है इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक, इंटरेस्ट ऑन टर्म डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ऐसे वैसे इंटरेस्ट आते रहते हैं. तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक आया तो वो हमेशा याद रखना है वो टैक्सेबल होगा, लेकिन उसका डिडक्शन मिलेगा आपको ATTTA में जिसकी लिमिट 10,000 है. आई होप कि मैं जो भी बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है. अगर आपने पढ़ा है सारा खुद तो समझ में आएगा, और अगर नहीं पढ़ा है कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जैसे ही आपका अभी ये सेशन ख़त्म हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा आपको, उसमें सब एक एक करके डिटेल में डिस्कस किया है, इससे भी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगा. तो जिन लोगों को सब कुछ आता है वो भी एक बार वो वीडियो देख लो, और जिनको कुछ भी नहीं आता है उनको तो फिर कुछ ऑप्शन ही नहीं है, देख के जाना ही पड़ेगा आपको.
नेक्स्ट इज नंबर फिफ्थ, अभी इंटरेस्ट में एक दूसरा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ, ये याद रखना, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ अगर आता है तो दैट इज फुली एग्जेम्प्ट। तो एग्जेम्प्ट वाले पॉइंट पढ़ो, गिफ्ट फ्रॉम फादर मदर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर ब्रदर सिस्टर पूरा एग्जेम्प्ट, गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड आया 50,000 तक एग्जेम्प्ट उसके ऊपर टैक्सेबल, कैजुअल इनकम आया एक्सपेंसेस इग्नोर करो, नेटवर्ड आया टीडीएस ऐड करो मतलब कैजुअल इनकम में, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक आया टैक्सेबल होगा और एटी टीटीए में डिडक्शन मिलेगा 10,000 रुपया, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ आया एग्जेम्प्ट कर दो सीधा। बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी डायरेक्टर्स फीस आया, बाकी बाकी और कोई पॉइंट्स आए, रॉयल्टी आया तो उसको आपको टैक्सेबल करना है अदर सोर्सेज के लिए, ठीक है, रॉयल्टी, क्रॉसवर्ड पजल, ऐसे पॉइंट्स यूजुअली आते हैं। और एक पॉइंट आता है नंबर सिक्स, इंटरेस्ट ऑन एनएससी, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार डालते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन एनएससी अगर आता है तो वो पॉइंट आपका टैक्सेबल है, लेकिन इसका आपको डिडक्शन में भी पॉइंट आता है, एटीसी में भी इसका डिडक्शन जो है वो मिलता है, बस दैट्स इट, इतना ही पढ़ना है अदर सोर्सेज में से। सो अदर सोर्सेस में से आपको इतनी ही सारी चीज़ें पढ़नी है और वो आपको ध्यान रखना है ताकि इसमें से कुछ भी कहीं पे भी मिक्सचर होके आ जाए तो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। अब हम चलते हैं हमारे पीजीबीपी में, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। अभी इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, इसमें सबसे पहला पॉइंट है डिसअलाउड एक्सपेंसेस। अब ये जो डिसअलाउड एक्सपेंसेस है इसमें आपको याद रखना है ऑल पर्सनल एक्सपेंसेस, जो भी आपके पर्सनल खर्चे रहेंगे वो सारे डिसअलाउड हो जाएंगे। इसमें कुछ कुछ टैक्सेस होते हैं जैसे कि एडवांस टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, इनकम टैक्स, ये सारे आपके डिसअलाउड हो जाएंगे, याद रखना, ठीक है। अब मैं आपको कुछ ऐसे टैक्सेस बताता हूँ जो टैक्सेबल हो जाते हैं, वो मतलब हमको डिसअलाउड में नहीं लेने हैं। प्रोफेशन टैक्स ये अलाउड है जो हमको नहीं लेना है, दूसरा होता है जीएसटी वो भी अलाउड होता है, ठीक है, ये याद रखना है। लेकिन कभी अगर किसी का पेनल्टी आया, जीएसटी पेनल्टी, इनकम टैक्स पेनल्टी, तो वो पूरा पूरा डिसअलाउड में आ जाएगा। दूसरा जो हमारा पॉइंट होता है फॉर्मेट में वो होता है डिसअलाउड इनकम्स। क्या होता है डिसअलाउड इनकम्स? इसमें सारे अदर सोर्सेस के पॉइंट आएंगे, तो यूजुअली हम ग्रॉस प्रॉफिट को छोड़ के ऑल पॉइंट्स लिखते हैं जो बिजनेस के नहीं है, अदर सोर्सेस के हैं। फिर तीसरा हमारा पॉइंट होता है अनरिकॉर्डेड अलाउड इनकम, तो इसमें यूजुअली हमारा पॉइंट नील आता है। और नंबर फोर्थ होता है हमारा अनरिकॉर्डेड अलाउड एक्सपेंसेस, ठीक है, इसमें हमारा पॉइंट आता है डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स। इतना आपको पॉइंट करना है, बिजनेस प्रोफेशन इज़ वेरी इजी, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये ऑप्शन में बिल्कुल मत रखना, इसके ऑप्शन में भी यही चैप्टर आता है, पीजीबीपी के ऑप्शन में पीजीबीपी ही आता है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन यही आता है। अब हम अगले चैप्टर पे चलते हैं विच इज़ कॉल्ड एज कैपिटल गेन, ठीक है। कैपिटल गेन में क्या है, बहुत सिंपल है, फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट? फॉर्मेट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, फॉर्मेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, पूरा सॉल्व किया है हमने, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। नंबर वन, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले पॉइंट आएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। क्या पॉइंट आएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसके बाद आएगा लेस एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफ़र, लेस एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफ़र में हम ब्रोकरेज वो सब पॉइंट लेंगे। फिर आपका पॉइंट आएगा लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसका एक फॉर्मूला है और उससे आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद आएगा लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो भी इम्प्रूवमेंट आपने 2000 ईयर के बाद किए रहेंगे वही लेंगे, इसके पहले का हम कुछ भी नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई न्यू हाउस परचेस करते हो, न्यू हाउस, तो उसका डिडक्शन आपको मिलता है। और अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है इलेक्ट्रिफिकेशन के बॉन्ड में, तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड का जो भी पॉइंट है वो इधर आएगा। ऐसा करके आपको कैलकुलेट करना है और फाइनल आंसर ढूंढना है। ये पूरे फॉर्मेट को मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये आपका 10 मार्क्स यहाँ से आ जाएगा। तो कैपिटल गेन में 10 मार्क्स का क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है। अगला जो पॉइंट है दैट इज सेक्शन 5, एंड सेक्शन 5 जो है विच विल बी रिलेटेड विथ स्कोप ऑफ टोटल इनकम। बहुत सिंपल है और इसमें आपको फुल मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है।
तो अभी ये स्कोप ऑफ टोटल इनकम में तीन कॉलम्स होता है। एक होता है आपका आरओआर, पर्टिकुलर्स का एक कॉलम है वो मैं यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, दूसरा होता है आपका आरएनओआर, और तीसरा कॉलम होता है आपका एनआर विच इज़ कॉल्ड एज नॉन रेसिडेंट। अब मैं आपको तीन रूल बताता हूँ, तीन रूल से पूरा आपका 10 मार्क्स पक्का आपको मिल जाएगा। ध्यान से सुनना, काफ़ी सिंपल है लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नंबर वन, अगर आपने इनकम इंडिया में अर्न किया तो आपको तीनों कॉलम में लिखना है। नंबर टू, अगर आपने इनकम इंडिया में अर्न किया और उस इनकम को आपने फॉरेन में भेजा, ठीक है, फॉरेन में भेजा, तो भी आपको सब में लिखना है। उसके बाद नंबर तीसरा, अगर आपने इनकम फॉरेन में कमाया और इनकम को इंडिया लेके आए आप, तभी भी आपको तीनों कॉलम में लिखना है। रूल नंबर फोर, अगर आपने इनकम फॉरेन में कमाया और आपका जो बिजनेस है उसका कंट्रोल इंडिया से था, ठीक है, तो आपको फर्स्ट में लिखना है, सेकंड में लिखना है, थर्ड में आपको नहीं लिखना है, नहीं लिखना है थर्ड में, ध्यान रखना। अगर आपका पूरा इनकम फॉरेन का है जिसका इंडिया से कुछ भी लेना देना नहीं है, जैसे कि इनकम अर्नड इन नेपाल, इनकम अर्नड इन रशिया, तो आपको फर्स्ट में लिखना है, बाकी दोनों में नहीं लिखना है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर वन एग्रीकल्चर इनकम, अभी बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़ करता है, एग्रीकल्चर इनकम अगर इंडिया का रहा तो वो किसी भी कॉलम में नहीं लिखना है, बिकॉज एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, एंड दैट इज़ वाई वी विल नॉट राइट एग्रीकल्चर इनकम इन एनी कॉलम। नंबर सेकेंड जो है, अगर एग्रीकल्चर इनकम आपने इंडिया में कमाया, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम आपने इंडिया में कमाया, उसको फॉरेन लेके गया, ऐसा भी हो सकता है, तो आपको फर्स्ट कॉलम जो है आरओआर उसमें लिखना है कंपलसरी। उसके बाद तीसरा हो सकता है कि एग्रीकल्चर इनकम आपने फॉरेन में कमाया, तभी भी आपको एक कॉलम जो है आरओआर उसमें लिखना है, याद रखना। तो व्हाट इज़ द कंडीशन, एग्रीकल्चर इनकम इंडिया का रहेगा तो ही एग्जेम्प्ट, बाकी सब केस में वो फर्स्ट कैटेगरी में टैक्सेबल है। फिर हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है एग्जेम्प्ट वाला, वो है पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट्स, ये याद रखना, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट्स। ये ऐसा कुछ अगर पॉइंट आपको दिखता है तो दिस इज़ प्योरली नॉट टैक्सेबल इन ऑल, किसी में भी नहीं आएगा, इतना आपके स्कोप ऑफ टोटल इनकम में से करके जाना है। तो ओवरऑल हमने क्या डिस्कस किया, 10 मार्क्स का सैलरी, राइट, उसके साथ 10 मार्क्स का हाउस प्रॉपर्टी, ये अगर नहीं करना है तो आपको सीधा सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आया था, अदर सोर्स भी है इसमें, ये 20 मार्क्स है, ऐसा लास्ट ईयर पूछा था। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन पूछा था डायरेक्टली, क्वेश्चन नंबर ये वन ऑब्जेक्टिव, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर टू हो गया, बराबर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री जो था, दैट वॉज पीजीबीपी 20 मार्क्स, उसके ऑप्शन में भी पीजीबीपी ही आया था लास्ट ईयर के पेपर में, विच वॉज फॉर 20 मार्क्स। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर फोर, अब ये फोर में एक 10 मार्क्स का कैपिटल गेन आएगा और एक 10 मार्क्स का वो स्कोप ऑफ टोटल इनकम आएगा, ये ऐसा वाला लास्ट ईयर पूछा है, 10 मार्क 10 मार्क, ये कहीं पे भी ऊपर नीचे कुछ भी कर दे ये लोग। आपको कौन से टॉपिक पढ़ के जाना है, एक तो आपको सैलरी पढ़ना है, दूसरा आपको हाउस प्रॉपर्टी पढ़ना है, तीसरा आपको अदर सोर्सेज पढ़ना है, फोर्थ आपको कैपिटल गेन करना है, फिफ्थ आपको पीजीबीपी करना है। तो आप बोलेंगे सर सैलरी भी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, अदर सोर्स हो गया, कैपिटल गेन हो गया, पीजीबीपी हो गया, तो सर सब कुछ तो बता दिया, तो सब कुछ ही पढ़ना है, मतलब सारी चीज़ें पढ़नी है, ऊपर नीचे कुछ भी आ सकते हैं, अल्टरनेटिव ऑप्शन आ सकते हैं आपके साथ, उसके साथ आपको डिडक्शन भी पढ़ना है। तो दिस मैनी थिंग्स यू हैव टू रीड फॉर टुमोरोज पेपर, ये सारी चीज़ें ध्यान से पढ़ो, सारी चीज़ें प्रॉपरली करके जाओ, इतना भी करके जाएंगे तो मोर देन सफिशिएंट। अभी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रहा हूँ, वो डिस्क्रिप्शन के लिंक से वीडियो पे आप सीधे चले जाओगे, और वो फास्ट ट्रैक रिवीजन है एक सारे चैप्टर्स का, वो भी आप एक बार देख लो ताकि और आपको इसमें से हेल्प हो पाए। आई होप कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, आपको समझ में आया किस तरीके से पढ़ना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते, और चैनल पर पहली बार आओ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।